हाय गाइस, दिस इज तमेश और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं फैंटेसी टिप्स एंड हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अगुआ सांता वर्सेस सैम पालो। सो गाइस, ये ब्राजीलियन लीग का मैच खेला जाएगा आज रात को 11:30 PM। तो हम आपको कुछ की प्लेयर्स दे देते हैं, कुछ हमारा सजेस्टेड कॉम्बिनेशन या फिर कुछ कंसिडरेशन जो आपको करनी चाहिए अपना कॉम्बिनेशन बनाने से पहले। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम टेबल देखेंगे तो ब्राजीलियन लीग का हल्का सा डिफरेंट फॉर्मेट है, उनका ग्रुप स्टेज वाइज फॉर्मेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रुप ए है जिसमें एगुआ सांता है फोर्थ प्लेस पर है, 8 गेम्स खेली हैं एंड 5 हार चुकी है, तो काफ़ी बुरे फॉर्म में है। एंड पिछले अपने आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, पिछले अपने 2 मैचेस लगातार वो हार चुकी हैं। सो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, फॉर्म उनका इतना अच्छा नहीं है। सैम पालो की बात करें सो वो सेकेंड प्लेस पर है विद 11 पॉइंट्स एंड 7 में से 3 मैचेस जीती हैं, उनके पास 2 गेम्स इन हैंड है। तो अगर वो दोनों मैचेस जीत जाती हैं तो वो सैम बर्नार्डो से आगे चली जाती हैं बाय 3 पॉइंट्स। एंड उनका आप रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, पिछले 4 में से 3 मैचेस वो जीती हैं, एक ड्रॉ किया है। तो एक अच्छे फॉर्म में है सैम पालो आज के मैच के लिए। रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें सो एगुआ सांता अगेन, ये लीग के मैचेस हैं तो पिछले 2 वो हार चुकी हैं एंड उससे पहले 3 जो थे उसमें से 2 जीती थी। तो आप बोल सकते हैं कि एक मिक्स्ड रन ऑफ फॉर्म है, बट रिसेंटली उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। एंड डिफेंसिवली आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, नीचे स्टैट में आप देख सकते हैं कि जो इनके पिछले 9 होम गेम्स हुए हैं उसमें से 8 में उन्होंने स्कोर किया है। तो डिफेंसिवली थोड़ा सा स्ट्रगल करी, बट अटैकिंग वाइज होम पे उनका फॉर्म अच्छा है एंड 9 में से 8 में उन्होंने स्कोर किया है, भले 1 किया हो बट एटलीस्ट उन्होंने स्कोर किया है। तो आई थिंक होम मैचेस में दे हैव अ नैक टू स्कोर गोल्स। एंड सैम पालो की बात करें सो उनका भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, पिछले 5 में से उन्होंने काफ़ी अच्छे 3 अच्छे रिजल्ट्स हैं, 3 विक्ट्रीज हैं। एंड अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले 3 मैचेस में उन्होंने 3 लगातार क्लीन शीट्स भी रखी हैं, तो डिफेंसिवली भी वो काफ़ी अच्छा कर रही है। एंड आप नीचे स्टैट में देख सकते हैं कि उनके जो 12 अवे गेम्स हुए हैं लीग में, जो उनके 12 अवे गेम्स हुए हैं उसमें से 11 में उन्होंने स्कोर किया है। सो अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा कर रही है सैम पालो एंड सो इज एगुआ सांता। अगर हम स्टैट्स की बात करें सो सैम पालो का आप देख सकते हैं कि उनके जो लास्ट 19 लीग गेम्स हुए हैं उसमें से 17 में वो या तो जीते हैं या उन्होंने ड्रॉ किया है, सिर्फ 2 मैचेस हारी हैं उन 19 में से। सो काफ़ी अच्छा उनका रीसेंट फॉर्म, काफ़ी अच्छे काफ़ी टाइम से चल रहा है। एंड एगुआ सांता की बात करें सो पिछले जो उनके 9 होम गेम्स हुए हैं उसमें से 8 में उन्होंने कंसीड भी किया है। तो आप डिफेंसिवली भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल वो कर रही हैं। एंड एगुआ सांता की बात करें सो पिछले जो उनके 7 होम गेम्स हुए इसमें से 6 में वो विनलेस रही है, मतलब पिछले 7 होम गेम्स में से सिर्फ 1 मैच वो जीती हैं, विच इज़ वरिंग फॉर्म कंसिडरिंग के वो स्कोर कर पाती है, बट डिफेंसिवली वो इतनी वीक है कि वो कंसीड करके मैचेस जनरली हार जाती हैं। एंड अगर आप और स्टैट देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें सो ये हमारी एक्सपेक्टेड 11 होगी फॉर बोथ द टीम्स, एंड ऑफ कोर्स ये चेंज हो सकती है बट हमें लगता है कि ये लाइनअप आप ले सकते हैं। की प्लेयर्स की अगर हम बात करें सो एगुआ सांता में आप देख सकते हैं कि बेलमोंटे जो कि मिडफील्डर है, 3 गोल्स के साथ वो टॉप स्कोरर है। एंड फर्नांडिन्हो आप देख सकते हैं, 1 गोल 1 असिस्ट के साथ वो दोनों तरफ इन्वॉल्व हैं, क्रिएटिवली भी अटैकिंग वाइज भी। एंड प्लस उनका अटैक इतना अच्छा नहीं है एगुआ सांता का इस सीजन, तो काफ़ी कम आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे। एंड सैम पालो की बात करें सो उसमें आप सबसे नीचे देख सकते हैं कैलेरी 3 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर हैं, रिगोनी 1 असिस्ट दिया है उन्होंने, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, मार्किन्योस 1 गोल 1 असिस्ट, मिरांडा जो कि बहुत एक्सपीरियंस, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, 37 ईयर्स ऑफ एज, यूरोप में भी खेल चुके हैं वो, उन्होंने भी 1 असिस्ट दिया है 3 स्टार्ट्स में। एंड हमारे की प्लेयर्स भी आप देख सकते हैं, फर्नांडिन्हो है, कैलेरी है, मिरांडा है, बेलमोंटे हैं जो कि टॉप स्कोरर हैं, रिगोनी जो कि एक स्ट्राइक पार्टनर है, बट क्योंकि सैम पालो के एक्सपेक्टेड 11 के अकॉर्डिंग हमने उनके की प्लेयर्स दिए हैं, तो आई थिंक रिगोनी कैन बी वन ऑफ द की प्लेयर्स। एंड ये हमारा सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है फॉर नाउ। वी आर गोइंग फॉर अ फ्रंट 3, क्योंकि आपको गोल्स एंड असिस्ट के बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिडफील्ड में आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी आपको फॉरवर्ड एरियाज में मिलेगी।
एंड इसलिए कैलेरियन रिगोनी दोनों की प्लेयर्स हैं, तो दोनों को रखना इज अ गुड आइडिया. प्लस हमें लगता है कि एग्वासैंता अटैकिंग वाइज अच्छी है, तो हमने एक फॉरवर्ड वहाँ से भी लिया है. मिडफील्ड की बात करें, सो नेस्टर, बेलमोंटे एंड डॉस सैंटोस, ये तीन हमारे प्लेयर्स हैं. बेलमोंटे एज आई सेड वन ऑफ द की प्लेयर्स हैं, टॉप स्कोरर हैं, तो उनका होना ज़रूरी है. उसके अलावा नेस्टर एंड डॉस सैंटोस, ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको बोथ डिफेंसिवली एंड जो क्रिएटिविटी उनकी है. बट आई थिंक आपको फॉरवर्ड एरियाज पे फोकस करना चाहिए अगर आप गोल्स एंड असिस्ट पैक करते हैं. तो डिफेंस में जाने से पहले प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. सो डिफेंस में अभी के लिए भी आर गोइंग फॉर अ बैक थ्री एंड तीनों प्लेयर्स हमारे सैम पॉलो से हैं. मिरांडा को आप देख सकते हैं, हमने इनसर्कल किया हुआ है क्योंकि एज आई सेड काफी एक की प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आप उनको रख सकते हैं. उसके अलावा हमने तीनों डिफेंडर्स इसलिए लिए क्योंकि हो सकता है कि एक्वासांता स्कोर ना करे एंड हो सकता है कि वो स्कोर करे. तो वी आर अभी के लिए वी आर बैकिंग अ स्ट्रॉन्ग सैम पॉलो डिफेंसिव परफॉर्मेंस क्योंकि हमें लगता है कि उनका डिफेंस थोड़ा सा शाइन कर सकता है. उसके अलावा हमने एग्वासांता से एक अटैकर भी लिया है क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर एग्वासांता स्कोर करती है तो हमें पॉइंट्स से मिस आउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें एग्वासांता के अटैकर्स को भी टारगेट करना चाहिए. एंड हमने इनाकियो को इसलिए लिया है बिकॉज उनके सेव पॉइंट्स के चांसेस अच्छे हैं. एंड फॉर आर 11th प्लेयर कौन है, अगर आप एग्वासांता के फोर्थ डिफेंडर को लेकर, एज अ फोर्थ डिफेंडर आप किसी डिफेंडर को लेकर आना चाहते हैं एग्वासांता से, तो आप मैसियल को लेकर आ सकते हैं. काफ़ी हाईली ओन्ड है, प्लस काफ़ी अच्छे डिफेंडर भी हैं, फुल बैक हैं. एंड अगर आप सैम पॉलो के आप सैम पॉलो की पूरी क्लीन शीट को बैक करते हैं, तो आप डेसिल्वा को लेकर आ सकते हैं जो कि फोर्थ डिफेंडर है सैम पॉलो के. एंड अगर आप एक बैक थ्री रखने के अलावा अगर आप मिडफील्ड थ्री से मिडफील्ड फोर करना चाहते हैं, तो आप सैम पॉलो के फरेरा को लेकर आ सकते हैं जो कि अच्छे प्लेयर हैं. बेसिकली हमने सिक्स प्लेयर्स रखे हैं अभी सैम पॉलो से एंड चार रखे हैं एग्वासांता से. तो ये आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप एक क्लोज कॉन्टेस्ट चाहते हैं तो आप 6-5 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैम पॉलो विक्ट्री को बैक करते हैं तो आप 7-4 भी कर सकते हैं. उसके अलावा जो हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन है वो 10 मिनट पहले डेडलाइन से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको बस वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करना है. एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग अ वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शो योर सपोर्ट एंड हैव अ गुड डे.